उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास च। इदं राससि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिर। ॐ यात्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते, पुरुषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युर्यस्य। आपकी शरण मृगातन अशुभ से बचने का उपाय, असफलता से, दुख से, दरिद्रता से बचने का दो उपाय है। एक तो वेतर्क बाद है प्रतिपक्ष भाव, जो हम कर रहे हैं उसका अनंत गुणा फल मिलने वाला है, तो पापों के तरफ तुम कदम ही नहीं धरोगे। तुमको लगेगा कि भाई ये तो अनंत गुणा अपने को मिलेगा, यदि किसी का अनादर करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे, किसी की चोरी जारी करेंगे, हिंसा करेंगे। और दूसरा एक उपाय है भगवान की शरण, गुरु की शरण, गुरु आज्ञा में रहना, शास्त्र आज्ञा में रहना, वेद आज्ञा में रहना, गुरु की शरणागति और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना, भगवान की शरणागति और जो आत्मा में फिर परमात्मा भगवान प्रेरणा देता, बस उसी के अनुसार अपने मन वचन कर्म आचरण करना। जब तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। शरबत नहीं लेगा ऐसे विफल।